पहला आपका क्या होता है, नियमित, नियमित, नियमित परावर्तन। दूसरा आपका होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन को ही विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और आप अपने सारे एग्जाम को कवर कर लेंगे अगर लाइट से आएगा। हम आपको बता दें, यह ऐसा टॉपिक है आपके रेलवे ग्रुप डी तथा तमाम वन डे के एग्जाम में महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकता है, अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तब। चलिएगा, टॉपिक हमारा क्या है, नियमित और अनियमित। हमने आपको बताया परावर्तन, हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ परावर्तन का मतलब क्या होता है। जब प्रकाश एक किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो इस केस को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। हम आपको बता दें, परावर्तन जो प्रकार होता है दो प्रकार का होता है, पहला नियमित, दूसरा अनियमित। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नियमित क्या होता है, अनियमित क्या होता है। चलते हैं चर्चाएं स्टार्ट से शुरू करते हैं, नियमित परावर्तन। हम आपको बता दें, जब प्रकाश का परावर्तन, अच्छे से देखिएगा वीडियो को अच्छे से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी व समतल पृष्ठ पर होता है तो प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होकर आपतित होती हैं। मतलब अगर यहीं से कहीं से प्रकाश आ रहा है और किसी सतह पे पड़ रहा है तो पड़ने के बाद वह सतह से कैसे लौट रही है, समांतर। वह सतह से कैसे प्रकाश लौट रही है, समांतर। यहां से लड़ी तो प्रकाश ऐसे एक दूसरे के समांतर, ये यहां से लड़ा ये इससे समांतर, ऐसे सारे प्रकाशें एक दूसरे से क्या हो गई, समांतर। जहां इस टाइप का केस बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश के परावर्तन के प्रकार का नियमित प्रकार। तो याद रखेंगे, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार में आपका पहला प्रकार क्या होता है तो आप अपना बताएंगे, पहला प्रकार होता है आपका नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का यह उद्देश्य होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी चिकने व समतल पृष्ठ पर पड़ती हैं, वह पड़ने के बाद प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, वो जो समांतर गुजरती हैं वही नियमित परावर्तन कहलाता है। तो याद रखेंगे, ये आपतित किरण है और ये जाने वाली क्या है, परावर्तित किरण। अब देखिएगा, समांतर किसे कहते हैं, अब बात आई समांतर हो जाती हैं, तो समांतर कहने का मतलब दो वस्तुओं, दो लाइनों के बीच में उनकी एक बीच की लंब की दूरी सदैव समान हो, वही आपका समांतर कहलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर आपको दो रेखा दे दी जाए, चाहे जैसी भी रेखा हो, अगर दो रेखा दे दी जाए और पूछ लिया गया ये समांतर है कि नहीं समांतर, ये जब समांतर होंगी उसमें एक कंडीशन होगा, वो केस क्या होगा, यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ के बीच की दूरी सदैव समान होगी, चाहे जैसे हो, चाहे इस टाइप से कर्व में हो, लेकिन उससे नहीं मतलब है। अगर मतलब है, अगर बीच में इनके बीच की दूरी सदैव समान है तो ये समांतर होंगी, ये क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे समांतर क्या है तो आप कहेंगे दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी की लंबाई को ही समांतर रेखा कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये आपका क्या है, समांतर है, ठीक, यही समांतर कहलाएगा। ये तो नियमित प्रकार था। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा अनियमित प्रकार किसे कहते हैं तो एकदम सिंपल मेथड से आप इसको बताएंगे। अनियमित का मतलब होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पितल पर ना पड़कर खुरदरे पृष्ठ पे पड़ता है और पड़ने के बाद प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन। देखिएगा,
आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा नियमित क्या होता है। नियमित क्या कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरणें आपका किसी चिकने और समतल पृष्ठ पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद वह समांतर की दिशा में लौट जाती हैं, इस केस को आपको क्या कहते हैं, नियमित कहते हैं। और अनियमित किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अनियमित कहने का यह मतलब होता है जब प्रकाश की सतह पर किरण पड़ती है वह सतह कैसी होनी चाहिए, खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए। खुरदरा पृष्ठ का मतलब ये सतह इस टाइप का होना चाहिए। जब इस टाइप पर प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाएगी। प्रकाश क्या होगी, चारों तरफ फैल जाएगी। इसका कहने का मतलब, यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे जो पड़ा ये पीछे हो जाएगा, और यहाँ पे जो पड़ा ये ऐसे हो जाएगा, ये पीछे बैक हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, खुरदरे पृष्ठ का मतलब होता है जैसे स्लोप अप डाउन इस टाइप का होता है, तो वो खुरदरा पृष्ठ कहलाता है। जब खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद जो समस्त किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। फैल जाने को ही क्या कहते हैं, आपका अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। इन परावर्तन का प्रयोग बहुत काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जब आप वस्तु को देखते हैं आपको उस साइड भी दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है, अनियमित परावर्तन के कारण। ठीक, जैसे आपके कांच की दीवार में जो बने होते हैं, दीवारों में खिड़कियों में लगे होते हैं कांच, वो क्या होते हैं, खुरदरे पृष्ठ के बने होते हैं। ऐसा बनाने का ये तात्पर्य होता है कि जब प्रकाश कांच पर पड़ता है तो हमको चकाचौंध से बचाता है। ये तमाम जो एक्टिविटी होती हैं प्रकाश की, वो इस पर आपको काबू करने में आता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नियमित और अनियमित। अब इसमें से जो डाउट हो, एक बार मैं पुनः आपको रीड कर दे रहा हूँ कि हमने आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकार में दो प्रकार पढ़े, पहला नियमित, दूसरा अनियमित। नियमित हमने आपको बताया, जब किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद वह समांतर पृष्ठ की तरफ लौट जाता है। और अनियमित क्या होता है, वहाँ का पृष्ठ कैसा होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। जब खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है वो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।